हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा अपना लिंकन लिस्ट का टॉपिक कर रहे थे, डाटा स्ट्रक्चर का। अपने अगे ऑपरेशंस ने, वो अपना लिंकन लिस्ट दे पढ़ांगे। ऑपरेशंस है वैसे बेटा अपने को छे दिते हुए लिंकन लिस्ट दे, बट तुहाडे कोल इहदे विच तीन ही ऑपरेशन वर्क करते, एक तो सर्चिंग, एक इनसर्शन, एक डिलीशन। ठीक है, ये वैसे छे ऑपरेशन ने। पहला आप क्रिएट करते हैं, फिर ट्रवर्स करते हैं, फिर आप सर्चिंग करते हैं, फिर आप इनसर्शन करते हैं, फिर आप डिलीशन करते हैं, उस तो बाद आप काउंटिंग करते हैं। ये वाले ऑपरेशन है जिहड़े आप परफॉर्म कर सकते हैं लिंकन लिस्ट से। बट जिहड़े तुहाडे सिलेबस के अकॉर्डिंग वो सिर्फ तीन ही ने, सर्चिंग, इनसर्शन, डिलीशन। ठीक है जी, पहला आप पढ़ांगे इहदे विच सर्चिंग। सर्चिंग की हुंदी आ? सर्चिंग का मतलब वैसे तुहानूं पता ही, आप फाइंड करना कहने, लभना। ठीक है, सर्चिंग ऑफ नोड इन अ लिंक लिस्ट। सर्चिंग करांगे आप नोड के, नोड की कहदे विच, लिंक लिस्ट के। कहते सर्चिंग इज़ द प्रोसैस बाय विच वी विल सर्च फॉर द एक्सटेंस ऑफ एलीमेंट इन द लिस्ट और नॉट। आप कोई भी एलीमेंट जिहड़ा एग्जिस्ट, एग्जिस्ट मतलब जिहड़ा एलीमेंट लिस्ट के पाया, वो कोई आप एलीमेंट सर्च करना भी, वो लिस्ट के हैगा ज नहीं है, उस प्रोसैस में की बोल दें आप, सर्चिंग बोलते हैं। द सर्चिंग कैन बी परफॉर्मड आइदर फ्रॉम शॉर्टेड लिस्ट और इन अनशॉर्टेड लिस्ट। जिहड़ी सर्चिंग है बेटा शॉर्टेड ते अनशॉर्टेड लिस्ट दे विच अप्लाई हुंदी है। जिहड़ी बेटा शॉर्टेड लिस्ट हुंदी है, जां तां उह असेंडिंग ऑर्डर दे विच होगी जां डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब जिवें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डिसेंडिंग मतलब जिवें 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये डिसेंडिंग ऑर्डर हुंदा। तां टू सर्च एन एलीमेंट इन द अनशॉर्टेड लिस्ट इज सेम एज काउंटिंग एज पार्टिकुलर नंबर इन द लिंकन लिस्ट विद स्लाइट डिफरेंस। तो शॉर्टेड आप सिर्फ जो अपने सिलेबस के टॉपिक है वो हैगा शॉर्टेड लिस्ट का, भी शॉर्टेड लिस्ट के आप एलीमेंट को किमें सर्च करते हैं। ठीक है, सर्चिंग इन द शॉर्टेड लिंक लिस्ट। कहते सर्चिंग इज इन द शॉर्टेड लिंक लिस्ट इज प्रोसैस इन विच वी हैव टू ट्रवर्स द लिंकन लिस्ट। ठीक है जी, मतलब कि आप लिंकन लिस्ट को पढ़ना शुरू करते हैं, ये ट्रवर्स करते हैं मतलब एक्सैस करते हैं। इनफो PTR मतलब कि पॉइंटर तो शुरू किया भी की इनफो आ, इज लैस दैन और इक्वल टू आइटम, भी जितों तक अपनी आइटम एंटर की उदों ज्यादा घट के जो बराबर तक। मतलब कि देखो जी अपने को एलीमेंट लिंक लिस्ट के पांच दिते आ, तो आप स्टार्टिंग 1 तो शुरू की है, तो आप पांच तक मतलब लिंक लिस्ट के एलीमेंट पढ़ने पैणगे। हो सकता वो पांच तो पहला आ जाए, जा कि होगा शायद पंजवें नंबर पर वो एलीमेंट पिया हो, करके अपन पांच तक पढ़ना पेगा। ठीक है, द लूप विल टर्मीनेट एज इनफो PTR विल बिकम ग्रेटर दैन आइटम। लूप उदो बंद होगी जो वो आइटम तो की हो जूगी, वड्डी हो जूगी, भी जो आप आइटम फाइंड होगी, लभगी, उस तो बाद लूप अगे एग्जीक्यूट हो बंद हो जूगी। बिकॉज एलीमेंट कैन नैवर एग्जिस्ट इफ इनफो PTR, तो आइटम भी मतलब कि वो एलीमेंट जेकर एग्जिस्ट नहीं है, इनफो PTR की होगा वड्डा होगा कहदे तो आइटम तो। एलगोरिथम गिवन बिलो विल सर्च एन आइटम इन लिंक लिस्ट। लिंकन लिस्ट के आइटम सर्च करन दे लिए आप एलगोरिथम लिखते हैं। ये अपन सर्च शॉर्ट के लिए अपन पांच चीज़ों की जरूरत पैंदी है, स्टार्ट दी, इनफो दी, लिंक दी, आइटम दी, ते लोकेशन दी, भी कितों आप सर्च करना। डिस्क्रिप्शन, हेयर स्टार्ट इज़ द पॉइंटर विच पॉइंट्स टू फर्स्ट एलीमेंट इन द लिस्ट। पहले जिहड़ा स्टार्ट का काम की है बेटा, पहला एलीमेंट है जिहड़ा लिंकन लिस्ट के दिता वो पॉइंट आउट करती है। एंड इनफो एंड लिंक आर पार्ट ऑफ द नोड। इनफो तो लिंक है दोनों ही नोड का पार्ट है, क्योंकि इनफो के डाटा स्टोर होंगे, लिंक अगले पॉइंट नाल अपन पॉइंट आउट करता जोड़ता। तीसरे एल्गोरिथम फाइंड द आइटम इन द लिस्ट। लिस्ट के आप आइटम फाइंड करने भी कि वैल्यू आप जी स्टोर की हुई है, तो स्टोर द फाउंडेड लोकेशन टू फाइंड द आप जी मतलब कि आप वैल्यू फाउंड कर रहे हैं, लभ रहे हैं वो लोकेशन की किन्ने एड्रैस पर पई है। इफ फाउंड अदरवाइज सैट लोकेशन इज इक्वल टू के नाल, जेकर लभ गई तो ठीक है, जे ना हुई तो लोकेशन का इक्वल कर देने होंने अपना नाल, नाल मतलब की होंगी खाली। तो पहले स्टेप के करना बेटा, पहले सैट PTR, PTR पॉइंटर आप सैट किया इज इक्वल टू स्टार्ट, क्योंकि आप लिंक लिस्ट जो आप फस्ट एलीमेंट है पॉइंट आउट कर रहे हैं। ठीक है, इनिशियलाइज अ पॉइंटर PTR, तो शॉर्ट फॉर्म के आप पॉइंटर की वैल्यू की लिखेंगे PTR। तो स्टैप नंबर सैकेंड सैट का लोकेशन इज इक्वल टू नल, जेकर लोकेशन नल है ठीक है जी, तो इज्यूम आइटम विल नॉट फाउंड इन लिस्ट, मतलब खल कोई आ भी कुछ भी नहीं है लिंक लिस्ट के, तो की हो जूगी आइटम विल नॉट फाउंड इन द लिस्ट। स्टेप नंबर थर्ड, जेकर इफ PTR इज इक्वल टू नल आ, PTR मतलब कि जी स्टार्टिंग पॉइंट की शुरुआत ही नल करती, दैन रिटर्न टर्मीनेट इफ PTR इज नल, जे PTR नल है तो की हो जूगा, यह बंद हो जू, टर्मीनेट कर देंगे। तो एंड इफ करके इस तो बाद की करांगे, अदरवाइज जे मतलब खाली नहीं है PTR, चौथे स्टेप के देखो
रिपीट स्टेप 5 वाइल पीटीआर इज इक्वल नॉट टू नल, मतलब कि जो पॉइंट है स्टार्टिंग लोकेशन है जी खाली नहीं हैगी तो स्टेप नंबर 5 में रिपीट करूगी। 5 में स्टेप नंबर किमें रिपीट करती है वो, पहला आप कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयर करा आइटम इज़ ग्रेटर दैन इनफो ऑफ पीटीआर, जी आइटम है भी इनफो आ तो ऑफ पीटीआर मतलब स्टार्टिंग पॉइंट तो जेकर बड़ी है कंपेयर करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट तो जेकर बड़ी है फिर कंपेयर करते हैं, तो इफ आइटम जेकर बड़ी है इनफो पीटीआर तो इनफो भी जी आप वैल्यू सर्च करनी है वो वाली तो बड़ी है तो दैन की करेंगे आप सैट PTR इज इक्वल टू लिंक PTR मतलब अगले नाल उहदा लिंक क्रिएट करेंगे, मूव टू PTR टू नैक्सट नोड मतलब कि नैक्सट नोड से PTR मूव हो जाऊ, जो पॉइंट है जो स्टार्टिंग पॉइंट है कितने चला जाऊगा सैकेंड नोड से चला जाऊ। एल्स इफ आइटम इज इक्वल टू इनफो PTR भी इनफो PTR के नाल मैच कर गई तो मीनस आइटम की होजूगी तुहाडी फाउंड होजूगी हेयर, तो सैट कर देंगे वो लोकेशन इज इक्वल टू PTR एंड रिटर्न। ठीक है राजे सैट कर देखो जे फाइंड होगी तो लोकेशन सैट करती PTR एंड रिटर्न करेंगे सर्च की होजूगी सक्सैसफुली एल्स इनफो ऑफ PTR इज़ ग्रेटर। हूँ इतने कहा भी जे आइटम वड्डी है, हूँ कहते जे इनफो वड्डी है आइटम के नालों, पहला आप चेक कर लिया भी जे आइटम वड्डी है इनफो के नालों, हूँ आप चेक की भी इनफो वड्डी है कहदे नालों आइटम के नालों, तो मीनस सर्च इज अनसक्सैसफुल है क्योंकि सैट PTR नाल होजूगा क्योंकि वह तो खाली पिया कुछ भी नहीं है वो वड्डी देती कोई वैल्यू ही नहीं हैगी नाल एंड रिटर्न होजूगा फंक्शन, तो एंड ऑफ कर देंगे स्टैप नंबर 5 एंड ऑफ द वाइल स्टैप नंबर 4 रिटर्न करवा देंगे। ठीक है 6 स्टैप के आगे एक्सप्लेनेशन देखो बेटा, जिमें स्टार्टिंग पॉइंट है तो PTR सैट करता आप की PTR 5 आ 8 आ 10 आ 12 आ, हूँ आइटम आप इतों 10 सर्च करनी है 10 नंबर आइटम अपने तीजी लोकेशन पर पई है, तो दिस इज पास टू एलगोरिथम फॉर सर्च एंड आइटम हैविंग द वैल्यू 10 की वैल्यू आप फाइंड करनी है टू सर्च फ्रॉम द लिस्ट इन द स्टेप नंबर 1 वी इनिशियलाइज PTR इज इक्वल टू स्टार्ट नाउ द लिस्ट विल बी लुक लाइक, तो हम देखो बेटा PTR हूँ 5 आप स्टार्टिंग की है तो PTR सैट करता ना आप पॉइंटर सैट करता एज वी हैव सैट द लोकेशन नाल इन द स्टैप नंबर 2 नाउ द लिस्ट विल टू लुक लाइक एज अ शोन, जो लोकेशन ही अपन नाल दिखाती भी खाली है कुछ भी नहीं है तो लोकेशन इज इक्वल टू की करती आप नल कर देंगे। ठीक है स्टैप नंबर 3 के देखो विल नॉट एग्जीक्यूट PTR नॉट इज इक्वल टू नल, ठीक है तो PTR कंटेन द एड्रैस ऑफ द फर्स्ट नोड, तो पहली का ही एड्रैस है जो फाइंड आउट कर लूगा PTR नॉट इज इक्वल टू नल, जे नल नहीं है तो सो वी एंटर इन टू द लूप आप एंटर करेंगे। हूँ देखो नाउ वी कंपेयर आइटम, हूँ अपनी आइटम 10 है ना 10 अपना ग्रेटर है आइटम बड़ी आ, ठीक है स्टार्टिंग पॉइंट के नालों तो मीनस 10 की हो गया अपने को ग्रेटर दैन 5 इज ट्यूब वी मूव द PTR 2 की होजूगा नैक्सट लोकेशन एंड लिस्ट विल लुक लाइक, तो देखो जो PTR हम 5 से आता PTR किन्ने पर चला जाऊगा 8 पर चला गया। ठीक है स्टैप नंबर PTR इज इक्वल टू नॉट नल, जे नल नहीं हैगी तो सो भी अगेन कंपेयर आइटम इनफो, हम 10 फिर कंपेयर किया कहते 8 के नाल विच ट्रू सो वी मूव द PTR टू नैक्सट लोकेशन, तो नैक्सट लोकेशन से PTR मूव हो गया 10, तो स्टिल PTR इज नॉट इज इक्वल टू नल, तो वही अगेन कंपेयर आइटम इनफो पार्ट। ठीक है मतलब 10 हो गया 10 कंपेयर करेंगे 10 विच इज़ कहते फॉल्स नाउ वी विल एग्जीक्यूट एल्स पार्ट इन द विच आइटम, ये फॉल्स होजूगा क्योंकि 10 इज इक्वल टू 10 की मिल गया अपन ट्रू वैल्यू मिल गई क्योंकि तो अगे आप नहीं लेना अपनी जी वैल्यू सर्च करनी से होगी इस तो बाद एलगोरिथम की होजूगा तो टर्मीनेट, तो PTR तो की बन गया 10 तो लोकेशन अपनी इतने की होजूगी सैट होगी तो आइटम आप कर ली फाइंड कर ली सर्च इज़ की होगी अपने को सक्सैसफुल हो गई, तो इफ वी वॉन्ट टू सर्च एन एलीमेंट 11 फ्रॉम द लिस्ट तो दैन PTR मूव टू की होजूगा 12 द सर्च टर्मीनेट बिकॉज वी सैट PTR इज इक्वल टू नल, द लास्ट स्टैप विच मीनस सर्च इज अनसक्सैसफुल, हूँ कहता मैं 11 एलीमेंट फाइंड आउट करना तो PTR अपना 12 के मूव तो होजूगा बट की है 11 है ही नहीं ये है ही नहीं तो करके की होजूगी अनसक्सैसफुल होजूगी भी सर्चिंग है जी अपनी डन नहीं होगी। ठीक है ये थोड़ी सर्चिंग सी शॉर्टेड लिस्ट के इनसर्शन ऑफ द नोड इन द लिंक लिस्ट ए वाला टॉपिक आप कल वाले लैक्चर करा इनसर्शन। ठीक है एक बार तुम सर्चिंग है राजे करके देख लियो जो कोई प्रॉब्लम लगती हुई तो मैं दोबारा पूछ लो। ओके बेटा थैंक यू सो मच।